हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज प्रियंका फिर से आपके सामने एक नई इजी और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ आई है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो आइए अब हम एक स्वादिष्ट स्पाइसी मोमो चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पैन को गर्म कर लिया था और इसमें मैं लगभग एक बड़ा कप पानी ऐड करी हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 3 टमाटरों को लिया था, जिसे कि मैंने बीच से काट दिया था। अब मैं इस पानी में अपने टमाटर को प्लेस कर दूंगी। इस तरह से आप सारे टमाटर पानी में प्लेस कर दें। तो यहाँ पर मैंने टमाटरों को पानी में प्लेस कर दिया है। ये है सूखी लाल मिर्च, इसे भी मैं पानी में बॉयल करूंगी। आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ऐड करें। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी ज़्यादा सूखी लाल मिर्च ऐड करें। हमें लगभग 10 टू 15 मिनट्स तक इन्हें बॉयल करना है। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टमाटर का छिलका टमाटर से अलग हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक प्लेट में भी आपको टमाटर का छिलका अलग करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टमाटर का छिलका टमाटर से अलग हो गया है। इसी तरह मैं सारे टमाटर के छिलके को टमाटर से अलग कर दूंगी और यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च को भी निकाल लिया है। और ये देखिए, मैंने दोबारा से पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने टमाटर और सूखी लाल मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इस पैन में रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। मैं लगभग 1.5 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई लहसुन को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है। इसके साथ ही साथ मैं इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर रही हूँ, लगभग ये भी 1 टेबल स्पून है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब हमारा अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है। इसे भी हम अच्छे से अदरक और लहसुन में ऐड कर देंगे। और जो मैंने प्यूरी रेडी की थी टमाटर और लाल मिर्च की, उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हम इसे चलाते रहेंगे लगातार। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। इसके साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून चीनी भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करूंगी। अब फ्रेंड्स, हमें अपनी चटनी को तब तक पकाना है जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना होने लगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी गाढ़ी चटनी रेडी हुई है और आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स, ताकि होने वाले सारे नए अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।